गांव में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से कई ग्रामीण आगामी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला पन्ना जिले के जनपद पवई के ग्राम कैमूरिया का है, जहां बाशिंदों का कहना है कि गांव में ना तो सड़कें हैं और ना ही बिजली, जिससे ग्रामवासियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद मुड़कर नहीं देखते, जिससे तंग आकर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है। लाइट नहीं है, रोड नहीं है, रोटा की समस्या है, और इतने डरे भी हो जाते हैं, आते नहीं है, हमको बहुत दिक्कत पड़ गया, बहुत कोई सुनाई नहीं है, वोटन के बे हो गए, तो फिर लौट के नहीं आते, वोटे दे दे ले जाते हैं। ये है पूरे ग्राम वासियों की के हम लोग इस बात से परेशान हैं कि ना तो हमारे यहाँ लाइट है, ना तो रोड है, इस बात को लेकर के हम हैरान हैं। और क्या है कि आउट एरिया है तो समस्या बहुत जटिल है, इसलिए हम लोगों ने ग्रामवासियों ने फैसला किया कि अब जो भी चुनाव आते हैं इलेक्शन, उसमें हम लोग मतदान नहीं करेंगे। हमारे तक कुछ की व्यवस्था नहीं है, न लाइट के, न पानी के, ना रोड के कुछ नहीं है। सुबह के साल हमको गली में हो गए तो कोई सुनाई नहीं कि लाइट ना होने के कारण बारिश में जो हम लोगों को दिक्कत आती है। जैसे अपन गेहूं पिसवाने जाते हैं तो 6 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है, या फिर घाटी उतर के जाएं अपन तो वहां जाना पड़ता है। यहाँ के बच्चों का भविष्य जो है इसके कारण नहीं बन सका, क्योंकि ना ही तो यहाँ रोड है, ना ही तो लाइट है, और यहाँ के जिम्मेवार जो हैं वो ध्यान भी नहीं देते हैं इस बात। मैं आपके माध्यम से ही सुन रहा हूँ, लेकिन ये कैमूरिया गांव जो है छरहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जो अपने पवई से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपने बताया है तो हम यहाँ पर जो है वो जनपद पंचायत के सीईओ को भी वहाँ भेजेंगे और हम भी जाएंगे, और जैसा भी होगा उनको ग्रामीणों को समझा के उनकी जो जायज़ समस्याएं हैं, जो उनकी जायज़ मांग है, उसको हम जो है वो उनके बारे में विचार विमर्श करके और उसका निदान कराना सुनिश्चित किया जाएगा।